हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। क्या हो रहा है वहाँ पर, किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। और ये सारी क्राइसिस का भारत पर क्या असर पड़ता है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में कि आखिर न्यूज़ क्या है, और फिर एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोग UPSC दे रहे हैं, मेंस लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया है जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है कि कितनी बार यहाँ पर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है, या फिर कौन कौन सी पार्टीज हैं पाकिस्तान की, तो वो सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आज की क्लास का PDF आपको चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ले सकेंगे। ओके, तो न्यूज़ क्या है यहाँ पर, जैसे अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में दो हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। वैसे ही पाकिस्तान की बात करें तो जो अपर हाउस या राज्यसभा है उसको सीनेट कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है मतलब आपकी जो लोकसभा है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जैसे हमारे मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के तो उनको हम MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही पाकिस्तान में जो MPs होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मतलब MNA। तो ये वर्ड जब आएगा MNA, इसका ये मतलब होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहा जा रहा है। तो न्यूज़ ये कहती है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इमरान खान, उनकी अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया गया। तो क्या रीज़न था इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने का, वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे पहली बार इतिहास में हो रहा है पाकिस्तान के कि किसी प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपने पद से हटाया जा रहा हो, क्योंकि अभी तक जब से 1947 से पाकिस्तान बना है आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा है जिसने 5 ईयर्स का टेन्योर कम्प्लीट किया हो, कभी नहीं हुआ है। ऐसी उम्मीद दिखाई जा रही थी कि इमरान खान शायद वो पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेशनल असेंबली ने इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो पास कर दिया। तो यहाँ पर पहला पर्सन प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, इमरान खान जी बन गए हैं, जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया गया है। ठीक है, 2018 जैसे हमारे भारत में 2019 में जनरल इलेक्शन हुए थे, वैसे ही 2018 में जनरल इलेक्शन कहाँ हुए थे, पाकिस्तान में हुए थे। और उस समय जो PTI है, PTI पार्टी किसकी, इमरान खान की, तो वो जीते थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। सिंस पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947 नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री हैज़ बीन एबल टू कम्प्लीट अ 5 ईयर टर्म इन ऑफिस। अगर कोई और पर्सन है जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है नेशनल असेंबली में लाया गया हो, तो हाँ, दो पर्सन और आपको देखने को मिलेंगे, एक है बेनजीर भुट्टो और दूसरे हैं हमारे पास शौकत अजीज़। ये दोनों ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। तो अगर हम 6 में जो है शौकत अजीज़ के अगेंस्ट जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन दोनों ने इसे पास कर लिया था, इन दोनों की गवर्नमेंट नहीं गिरी थी। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान के अगेंस्ट ये मोशन आया तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पास्ट में जाके। आपको पता होना चाहिए 2018 में क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी पाकिस्तान की और 2022 में क्या है। तो ये साल, 4 साल की जो यात्रा है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में 2 ट्रेडिशनल पार्टी दिखती हैं। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भारत में है, लेकिन 2 ट्रेडिशनल पार्टी आपको दिखती हैं, पहली कांग्रेस है और दूसरे BJP है, राइट। जैसे कि कांग्रेस 28 दिसंबर 1985 में बनी थी, और BJP जो है इसका फाउंडेशन डे 6 अप्रैल 1980 को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी प्रकार पाकिस्तान में भी 2 ट्रेडिशनल पार्टी हैं। कौन कौन सी, एक है PML जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग N कहा जाता है, N याद रखना है क्योंकि एक और पार्टी है PMLQ, ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ट्रेडिशनल पार्टी है जिसके फाउंडर कौन है, नवाज शरीफ। इनका नाम आपने सुना होगा, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और इनके ऊपर कई सारे करप्शन चार्जेस हैं, ठीक है, जिसके कारण इनको जेल भी हुई है। दूसरी जो पार्टी है यहाँ पे वो PPP है। PPP का मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके फाउंडर कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। इन्होंने 1967 में लाहौर पाकिस्तान में इस पार्टी को बनाया था, और अभी वर्तमान में अगर इस पार्टी के चेयरमैन की बात करते हैं तो वेंजीर भुट्टो के बेटे बिलावर भुट्टो जारदारी जो हैं वो यहाँ पर लीडरशिप कर रहे हैं PPP की।
तो यहाँ पे दो आपने पॉलिटिकल पार्टी देखी है, एक PMLA और एक PPP। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर की बात आती है आपको इन्हीं दो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कि अपन बोल सकते हैं बॉलीवुड में एक नेपोटिज्म काफ़ी मुद्दे में था, वैसे ये भी एक नेपोटिज्म है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इन दोनों की पार्टी का ही बनेगा, ठीक है। और ये दोनों पार्टी जो है वो लंबे समय से पाकिस्तान में रूल कर रही थी, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस तो पाकिस्तान में थे ही थे, करप्शन भी बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, चाइना से लोन भी बहुत ज़्यादा लेके रखा हुआ था। तो ये दोनों पार्टीज़ जो इन पे नेपोटिज्म और करप्शन के चार्जेस थे। तो 2018 के जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो एक नई पार्टी निकल के आती है, विच इज़ PTI, जो कि एक ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है। फिर वो उभर के आती है और PTI के जो लीडर होते हैं इमरान खान, वो आपको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देंगे 2018 में। देखिए एक बार आप इस मैप में, आप समझ पाएंगे यहाँ पर ये PPP, PML, मतलब इन्हीं के पार्टी के आपको जो है वो लीडर देखने को मिलेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर होंगे। केवल आप 2018 में देखोगे तो एक नई पार्टी निकल के आती है, विच इज़ PTI, ठीक है। अगर PTI के बारे में बात करें तो PTI का फुल फॉर्म है पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 1996 में बनी थी। और इमरान खान जो कि एक क्रिकेटर हैं, अगर हम 1992 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास एकमात्र वर्ल्ड कप है, वो इनकी ही लीडरशिप में आया है। तो इमरान खान जी की पार्टी है यहाँ पे, जिसका नाम है PTI, पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ। तो 2018 के जनरल इलेक्शन होते तो तीन मेजर पार्टी आपको देखने को मिल गई, ये PPP, ये PML और ये हो गई PTI, ठीक है। तो इन दोनों पार्टी को हटाकर PTI जीत जाती है, क्योंकि एक यूथ व्यक्ति जो है वो सामने आ रहा है, और लगातार वहाँ की जनता जो है वो परेशान है इन दोनों ट्रेडिशनल पार्टी से, क्योंकि उन पे चार्जेस भी करप्शन के हैं, इकोनॉमी भी ग्रोथ नहीं हो रही, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो एक नई उम्मीद थी कि हाँ एक नया व्यक्ति आएगा जो सारे क्राइसिस से हमको बाहर निकालेगा। साथ ही साथ एक क्रिकेटर भी रहे हैं तो एक यूथ लीडर भी रहे हैं, साथ ही साथ जो इनकी विचारधारा है वो थोड़ी अलग थी, ऐसा लोगों को लगता था, जो कि गलत था, क्योंकि इनकी तीन अलग अलग शादियां हुई हैं और तीनों लव मैरिज है। और पहली जो शादी है वो ब्रिटेन की, मतलब फॉरेनर से हुई है। इसका ये मतलब होता है कि आप एक खुली विचारधारा के, इस तरीके से लोगों ने इनको अडॉप्ट किया। और 2018 के जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की पार्टी, मतलब PTI, जीत जाती है। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उसकी सीट्स के बारे में। तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली, उसमें 342 सीट्स हैं। अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो 172 आपको सीट चाहिए है, तब आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको आधे से एक ज़्यादा जो है वो सीट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2018 के इलेक्शन होते हैं, जो PTI होती है उसको केवल और केवल 155 वोट्स मिलते हैं, लेकिन पार्टी बनाने के लिए ज़रूरत है 172 सीट्स की। तो अब ये क्या होगी, अलायंस बनती, जैसे हमारे देश में भी क्या होता है, गठबंधन की सरकार होती है ना, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपस में मर्ज होकर गवर्नमेंट बना लेती हैं। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे PTI के पास 155 सीट्स थी, PMLA के पास 84 सीट्स थी, जबकि PPP के पास कितनी है, 56 सीट्स हैं। तो यहाँ पे अगर इमरान खान को गवर्नमेंट बनानी है तो अलग अलग पार्टी के साथ इन्हें अलायंस करनी पड़ेगी। तो इन्होंने BAP हो गया, PMLQ हो गया, ठीक है, BNP हो गया, इस तरीके से अलग अलग पार्टी के साथ अलायंस बना लिया और अपनी सीट को 172 प्लस करके एक गवर्नमेंट बना ली। हालांकि इनके पास जो सीट थी वो 178 थी, जो कि काफ़ी कम है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी। तो हमेशा ऐसी सरकार जो जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोट आपका नहीं है, तो हमेशा डर बना रहता है कि वो सरकार आने वाले समय में गिर ना जाए, क्योंकि अगर जो भी यहाँ पे अलायंस हैं, अगर वो दूसरी पार्टी की तरफ हो गई या फिर PTI को छोड़ के चली गई, तो ऑलरेडी इनकी सरकार तो गिर ही जाएगी। तो यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी इमरान खान जीतते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2018 में पाकिस्तान के, क्लियर। अब ये बात तो दूसरी पार्टी इसको पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल पार्टी हैं, लगातार से उनकी ही पार्टी के PM बन रहे हैं, वो थी PPP और PML। तो इन लोगों ने दूसरी और छोटी छोटी पार्टीज थी उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम था PDM, ठीक है। 2020 में ही PDM बना है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसको कहा जाता है। इसमें जितने भी अलायंस है जो कि इमरान खान के अपोजिट में है, या इमरान खान को अपोज करती हैं, वो सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हो गई, और इनका एक ही एजेंडा है कि अब
इमरान खान की गवर्नमेंट को हमें गिराना है। इनकी खुद की गवर्नमेंट में जो एजेंडा थे वही इन लोगों ने यहाँ लोगों के सामने उठाए। इन्होंने बताया कि इमरान खान ने लोगों की नौकरियाँ छीन ली हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान के कारण हमारा जो पड़ोसी, हमारा पड़ोसी तो नहीं बोलेंगे, हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है चाइना, वो हमसे दूर हो रहा है ना। इन्होंने कहा कि इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, पावर कट हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, लगातार जो रुपया है पाकिस्तान का उसकी वैल्यू भी कम होते जा रही है। इस तरीके से सारे एलिगेशन जो है वो पीडीएम ने, मतलब ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, अलग अलग पार्टीज का एक अलायंस है, वो अगेंस्ट खड़ी हो गई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ। इनके वही एजेंडे थे जो इनके खुद की गवर्नमेंट में भी रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब यूथ इनकी तरफ जाने लगा है। अब होता क्या है, चेंज का कहाँ होता है, ये चेंज होता है मार्च 2021 में एक मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम है अब्दुल हफीज शेख, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, साथ ही साथ एक फाइनेंस और रेवेन्यू अफेयर्स मामले में मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये सीनेट का इलेक्शन हार जाते हैं 2021 में, जबकि इनका प्रचार, इनको प्रमोट कौन कर रहा होता है, खुद इमरान खान इनके लिए प्रमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्च 2021 में अब्दुल हाफिज शेख जो है वो इस सीनेट के इलेक्शन को हार जाते हैं। तो अपोजिशन फिर अब बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देगी कि नहीं, आप तो जो है वो पाकिस्तान की जो सरकार है इमरान खान, वो अपना बहुमत खो चुकी है, उसके पास अब मेजॉरिटी नहीं है, उसके पास अब इतनी पावर नहीं है, तो अब ये गवर्नमेंट जो है काम की नहीं है, क्योंकि इसका ही व्यक्ति जो इमरान खान खुद सपोर्ट रहे थे वो सीनेट का इलेक्शन हार गए हैं। तो ये सब बातें सुनने के बाद यहां पर इमरान खान जो है एक वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करते हैं, मतलब अपनी ही इच्छा से जो नेशनल असेंबली है उसमें आपको क्या करना है, वोटिंग करानी है और शो करना है कि हमारे पास आज भी मेजॉरिटी है, आज भी हम सक्षम है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चला सकते हैं। तो इस तरीके से इमरान खान जी के द्वारा वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पास किया गया और उनके पास जो 178 जो MPs थे या MNA थे, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये आज भी हमारे साथ है, मतलब आज भी हम गवर्नमेंट चला सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने इस वोटिंग को अप्रूव कर दिया। हालांकि ये सेकेंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पास किया है। इसके पहले नवाज शरीफ के द्वारा, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके द्वारा 1993 में वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पास किया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने खुद को प्रूव कर दिया कि नहीं, अपोजिशन फालतू बकवास कर रहा है, हमारे पास अभी भी वोटिंग है, हमारे पास अभी भी मेजॉरिटी है और अभी भी हम गवर्नमेंट चला सकते हैं। इस तरीके से ये सारी कहानी होती है, ठीक है। अब इनके ऊपर लगातार एलिगेशन होते जाते हैं, क्योंकि अब देखिए कोविड का समय भी आ गया है और कोविड के समय आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमी बिल्कुल सही नहीं जा रही थी, इसके साथ चाइना के जो CPEC पॉलिसी है उसको भी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा था, तो चाइना भी नाराज़ थी। इसके अलावा जो इमरान खान के रिलेशन है वो टर्की और मलेशिया के साथ इम्प्रूव होते जा रहे थे, तो टर्की और मलेशिया के साथ अच्छे संबंध नहीं है सऊदी अरब के, जबकि सऊदी अरेबिया के एक अच्छे रिलेशन लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर या फिर इमरान खान के साथ या फिर कह सकते हो पाकिस्तान के साथ रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान की दोस्ती बढ़ने लगती है तुर्की और मलेशिया के साथ, तो यहाँ पे सऊदी अरब नाराज हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने $6 बिलियन का जो मदद भी है वो पाकिस्तान को किया था। इसके अलावा बहुत सारे जो पर्सन है पाकिस्तान के वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा या फिर GDP का कंट्रीब्यूशन जो है वो रेमिटेंस से होता है, राइट। तो सऊदी अरब के साथ अगर रिलेशन ख़राब हो रहा है तो उसकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे, उसके अलावा अफगानिस्तान में जो सिविल वॉर भी उस समय चल रहा था, चाइना भी अपसेट हो चुका था, USA अपसेट हो चुका था, साथ ही साथ अभी जो इमरान खान है वो रशिया भी विज़िट करने गए थे, उसके कारण भी USA थोड़ा नाराज़ हो गया था और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, हर कहीं इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन चल रहा था, रोजगार नहीं थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एलिगेशन इन पे लगातार लगते जा रहे थे और अपोजिशन इस बात का बहुत फ़ायदा उठा रहा था। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं हम, अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं पाकिस्तान का, तो उसमें मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, आर्मी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, जो भी बड़े डिसीजन होते हैं, इनफैक्ट जो फॉरेन पॉलिसी होती हैं वो बिना मिलिट्री के अप्रूवल के पाकिस्तान के गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती ही नहीं। आप लोग ने बाजवा की स्टोरी तो सुनी ही होगी, हमेशा इनकी फॉरेन पॉलिसी में जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इतिहास की बात करूँ, 1947 से अभी तक पाकिस्तान में 4 बार आर्मी के द्वारा तख्ता पलट किया जा चुका है और कई बार ऐसी कोशिश की जा चुकी है, मतलब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पास आर्मी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आर्मी का सपोर्ट लूज करने लगे, मतलब वो सरकार गिरने वाली है, क्योंकि जो ISI वगैरह है उनके भी चीफ को अपॉइंटमेंट करने का काम जो है ये
आर्मी चीफ के द्वारा ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे इमरान खान की जो रिलेशन है वो बाजवा के साथ भी ख़राब होने लगे और बाजवा जो है वो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाने लगे, मतलब हम ना इसके अपोज में है ना इसके फेवरिज्म में है, इस तरीके से न्यूट्रल पॉलिसी भी इनके द्वारा अपनाई जाने लगी। इसका ये मतलब हुआ कि बाजवा अब फेवर में नहीं है एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के। तो ये भी बहुत अच्छा एजेंडा था जिसके कारण इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया जा सके। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान और मलेशिया के रिलेशन अच्छे होने लगे तो पाकिस्तान और सऊदी के रिलेशन गड़बड़ होने लगे। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन भी कमज़ोर हुए हैं और यहाँ पे यूएसए और पाकिस्तान के बीच में भी दरार आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं जिसके कारण ये सारे एजेंडा मिल गए और फाइनली अब बात आती है गवर्नमेंट को गिराने की। तो गवर्नमेंट में गिराने की बात कैसे शुरू होती है? अब यहाँ पे जो पीटीआई के एमपीज़ हैं, पीटीआई के जो एमपीज़ हैं वो लगातार कुछ ना कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए अप्रूवल मांगते होंगे। तो इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के हितों की रक्षा नहीं हो रही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, या हमारे यहाँ गैस सप्लाई नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हो रहा है, ऐसे कई सारे के फेवर जो है वो किए गए पीटीआई के द्वारा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब काम नहीं हो रहे हैं, इमरान खान जी आप ध्यान दीजिए, ध्यान दिया नहीं गया। तो पीटीआई के जो खुद के एमपीज़ थे या सांसद थे वो अगेंस्ट होने लगे इमरान खान के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मार्च को जो पाकिस्तान का संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 95 का यूज़ करते हुए अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया अगेंस्ट द इमरान खान। ठीक है, अपोजिशन डिमांड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन यूजिंग आर्टिकल नंबर 95। ठीक है, उसके बाद एक इंटरव्यू में बताया गया कि 22 मार्च को जब इंटरव्यू लिया गया तो पीटीआई के जो भी सांसद थे वो कह रहे थे कि 35 सांसद जो हैं वो इमरान खान से नाराज़ है और वो सिंध हाउस में इकट्ठे हो गए थे, आप लोगों ने वो न्यूज़ देखी होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से खुद की पार्टी के जो MLAs थे या MPs थे वो खुद नाराज़ होने लगे और इनसे दूर जाने लगे। हो गया इतनी चीज़ें। इसके बाद अब इमरान खान सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ और पैतरा अपनाते। तो इन्होंने जैसे कि भारत में भी एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ना, वैसे ही आर्टिकल 63A के अंतर्गत कहा गया हम आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हैं, मतलब तो आप क्या कर रहे हैं हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो MNA हैं वो कहते हैं हम दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से बातें हुई, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया आपने MNA को तो भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो PTI की कम हो जाएगी। अब इमरान सरकार जो है वो दूसरा पैतरा अपनाती है जो इनकी अलायंस है, अब अलायंस भी नाराज़ होने लगी और भागना शुरू कर दी। तो यहाँ पर इमरान खान के द्वारा कुछ प्रपोजल्स जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए। कैसे प्रपोजल? जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो PMLAQ पार्टी थी उन्हें ऑफ़र किया गया, उसके लीडर को ऑफ़र किया गया कि हम आपका जो पंजाब रीजन है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब रीजन को आपका CM बना देते हैं। जैसे कि MQM को ऑफ़र किया गया हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग दे देते हैं जिसके कारण ये अलायंस हमारे साथ रहे, अपोजिशन में ना जाए। ठीक है, और यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो 2 पर्सन के नाम मैं आपको और बताती हूँ, एक है असद क्वेसर और एक वसीम खान सूरी जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं नेशनल असेंबली के, जिनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो अब 3 अप्रैल को इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होनी होती है और 3 अप्रैल को जो है वो असेंबली से पाकिस्तान के जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे वो एब्सेंट होते हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करने के साथ साथ कुछ एलिगेशंस लगाते हैं कि ये जो MNA हैं उनको खरीदा जा रहा है, उन पे इन्फ्लुएंस है फॉरेन पावर्स का, मतलब आर्टिकल 5 का यूज़ आपके इमरान खान करते हैं आर्टिकल 5 का यूज़, और कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर MNA जो है उनको ख़रीद लिया गया है या उन पे फॉरेन पावर्स हैं। इस तरीके से बातें होती हैं और सेम समय पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो प्रेसिडेंट होते हैं आरिफ अलवी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए और हम फिर से फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। तो बिल्कुल आरिफ अलवी बिल्कुल वही करते हैं जो इमरान खान कहते हैं, वो एक
ऑर्डर पास करते हैं और बोलते हैं कि हम नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं और फ्रेश इलेक्शन होंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए जो डिप्टी स्पीकर होते हैं सूरी साहब, वो कहते हैं यहाँ पे आर्टिकल 5 का वॉयलेंस हो रहा है, मतलब पाकिस्तान में जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है वो फॉरेन जो पावर्स है उनके कारण, उनकी पावर के कारण आया है, इसलिए हम इसको भी नल एंड वॉइड करते हैं, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं होगी। ये सारी घटनाएँ 3 अप्रैल को घट जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मतलब आपने क्या कर लिया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से यूज़ कर लिया। जब तक ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं किया गया था या ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ था कि किसी भी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन में है, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं किया गया था, उसके बाद भी आर्टिकल 5 का यूज़ करते हुए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं कराई गई। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, उन्होंने कहा कि हम जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब बीच में आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो हर एक जो कोर्ट होती है उसके पास एक पावर होती है जिसको सुओ मोटो पावर कहते हैं, मतलब अपने हिसाब से कोई भी मैटर चल रहा है देश के अंदर उसका संज्ञान कर सको, अपने पास उसको ले जा सको और सुनवाई कर सको। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के उमर अटाबंदियाल, उनके द्वारा सुओ मोटिव नोटिस पास किया गया और ये जो पूरा पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी पाकिस्तान के अंदर उसको अपने पास लेकर आए। और लेकर आने के बाद क्या कहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी पिटीशंस भी फाइल की गई थी, चाहे वो पीपीपी के द्वारा की गई हो या फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई हो। ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा भी जो भी क्राइसिस चल रहा था उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया गया था। तो यहाँ पे 5 जजेस की एक बेंच बनती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कहीं पे भी आर्टिकल 5 का वॉयलेंस नहीं हो रहा है, कोई भी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस है ऐसा कुछ प्रूफ होता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी और जो आरिफ अलवी साहब का फैसला है कि यहाँ पर डिसॉल्व कर देते पार्लियामेंट, उसको हम नल एंड वॉइड करते हैं, कोई भी पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होगी। साफ साफ तौर पे क्या होगा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा जिस पे वोटिंग होगी, उसके बाद जो जीतेगा उसकी ही गवर्नमेंट बनेगी। बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पे कह दिया गया, मतलब एक अच्छी चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान में आज भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है जुडिशरी पे, मतलब जुडिशरी आज भी इंडिपेंडेंट काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो 11 अप्रैल को, कहीं कहीं 10 अप्रैल, एक्चुअली 9 और 10 अप्रैल की अगर बात करते हैं, तो 9 और 10 अप्रैल को यहाँ पर वापस से नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस से पास कर दिया गया आपकी नेशनल असेंबली से। 9 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया और 174 लोगों ने इमरान खान के अगेंस्ट वोट किया, मतलब यहाँ पर इमरान सरकार की गवर्नमेंट गिर गई। साथ ही साथ उसी दिन जो अटर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब जब स्पीकर ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कैसे वोटिंग हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे जो प्रीवियस या फॉर्मर स्पीकर रहे नेशनल असेंबली के अयाज सादिक, उनके द्वारा चेयरमैनशिप को संभाला गया और इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग कराई। तो यहाँ पे 174 वोटिंग अगेंस्ट हुई इमरान खान के, मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई। और फिर फाइनली 11 अप्रैल को नेशनल असेंबली के द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि शहबाज शरीफ थे, उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की गई। ठीक है, क्योंकि इनके पास 174 वोट थे। और फिर फाइनली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ओथ ली और इन्होंने 37 मेंबर की अपनी एक नई कैबिनेट बनाई है जिनमें 5 वीमेंस भी हैं। अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि खुद नवाज शरीफ की ही पार्टी है, उसके 13 मिनिस्टर लिए, जैसे कि पीपीपी है उसके आपने 9 मिनिस्टर लिए। इस तरीके से अलग अलग पार्टी के गठबंधन से, अलायंस से आपने 37 मेंबर की एक कैबिनेट बनाई है जिसमें 5 वीमेंस भी शामिल हैं। इस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग में आई है। अब बात करते हैं भारत पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि आर्मी का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब जो बाजवा है उनका इन्फ्लुएंस अब नई एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट होगी उसमें भी देखने को मिलेगा। तो पहले भी आर्मी ही थी जो डिसाइड करती थी कि किस फॉरेन बाउंड्रीज पे किस तरीके से हमें काम करना या फॉरेन रिलेशन कैसे बनाने हैं, तो आज भी वही सिनेरियो है। तो ऐसा ज़्यादा कोई इम्पैक्ट भारत की और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस या फिर जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसमें ऐसा कोई ज़्यादा अंतर देखा नहीं जाएगा। बाकी जब चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे।
सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आरआरबी जीए का एक आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो कि परचम के एप्लीकेशन पे है, आप उसे देख लेंगे। टेक केयर।